सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बारे में, जिसे मिड एयर रिफ्यूलिंग भी कहते हैं। आप में से अधिकतर लोग ये तो जानते होंगे कि ये मिड एयर रिफ्यूलिंग क्या होता है, लेकिन शायद आप में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें एक्चुअल में ये पता होगा कि ये मिड एयर रिफ्यूलिंग काम कैसे करती है और किस तरीके से हवा में एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल ट्रांसफर किया जाता है। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या मिड एयर रिफ्यूलिंग रोटरी विंग एयरक्राफ्ट यानी कि हेलीकॉप्टर्स में भी होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस तरीके से होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जो ये हवा में उड़ान के दौरान एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल को ट्रांसफर करने की प्रोसेस है, इसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एरियल रिफ्यूलिंग, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग या फिर टैंकिंग, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि जो आज के समय की एविएशन इंडस्ट्री है, इसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को विकसित किया जा चुका है जो अपने आप में ही तारीफ के काबिल है, और जबकि भविष्य में हमें इस इंडस्ट्री में और भी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आज भी ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप पहले हुई थी, लेकिन आज भी वो उतना ही बेहतरीन काम करती हैं जितना कि वो उस समय करती थी। और जो ये हवा में एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में एविएशन फ्यूल को ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी है, जिसे हम मिड एयर रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये इन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक है। और वर्तमान समय में इस मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए दो खास तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें से एक टेक्निक का नाम है प्रॉप एंड ड्रॉप और दूसरे का नाम है फ्लाइंग बूम। और ये जानने से पहले कि हवा में मिड एयर रिफ्यूलिंग की पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है, उससे पहले आपको इसकी दो खास टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉप एंड ड्रॉग वाले एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम की। तो इस टेक्निक में एक लंबा सा और पतला सा ट्यूब होता है, जिसे आप हॉस कह सकते हैं, और इस हॉस का एक हिस्सा जुड़ा होता है टैंकर एयरक्राफ्ट से, यानी कि वो एयरक्राफ्ट जो फ्यूल को कैरी कर रहा है और हमें जिससे फ्यूल लेना है। और इस ट्यूब का जो दूसरा एंड होता है उसे कहते हैं ड्रॉग। और आपने भी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होती है, तो उसमें जो एक लंबा सा पाइप होता है उसका एक एंड फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ा होता है, और जो एंड फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ा होता है तो उसमें एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको बता दें कि उसी जाली जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ड्रॉग, और इसे कभी कभी बास्केट भी कहा जाता है। और इस ड्रॉग का स्ट्रक्चर कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे कि बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली शटल कॉक का। और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसमें ड्रॉग के पीछे जो एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसे कहते हैं ड्रॉग अटैचमेंट पॉइंट। तो ये तो बात होगी कि इस प्रॉप एंड ड्रॉग वाले सिस्टम में ड्रॉग क्या है, अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉप क्या है। तो आपने इस बात को अच्छे तरीके से नोट किया होगा कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट जिनमें मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी दी गई है, तो उनके आगे एक एल शेप का ट्यूब होता है, तो उसी लॉन्ग ट्यूब को कहा जाता है प्रॉप। और ये दोनों सिस्टम मिलकर बनाते हैं प्रॉप एंड ड्रॉग टेक्निक को। तो होता यह है कि जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ती है, तो आमतौर पर हमेशा टैंकर एयरक्राफ्ट रिसीवर एयरक्राफ्ट से पहले आएगा, और फिर धीरे धीरे टैंकर एयरक्राफ्ट और रिसीवर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के करीब आएंगे, और जो रिसीवर एयरक्राफ्ट होगा वो हमेशा टैंकर एयरक्राफ्ट से कम ऊंचाई पर होगा, यानी कि टैंकर एयरक्राफ्ट ऊपर रहेगा और रिसीवर एयरक्राफ्ट नीचे रहेगा। रिसीवर एयरक्राफ्ट से यहाँ पे मतलब है वो एयरक्राफ्ट जिसको फ्यूल लेना है, और एक प्रॉपर ऑल्टीट्यूड में आके फिर टैंकर एयरक्राफ्ट में जो हॉर्स यानी कि एक पतली सी ट्यूब लगी है वो एक्सटेंड होगी, और जब वो अपनी फुल लेंथ तक एक्सटेंड हो जाएगी तो फिर रिसीवर एयरक्राफ्ट के पायलट का काम होगा उसके एयरक्राफ्ट में लगे प्रॉप को उस जाली जैसे स्ट्रक्चर जिसे ड्रॉग कहते हैं उसके सेंटर में उसे मिलाना। और जैसे ही प्रॉप प्रॉपर तरीके से ड्रॉग में अटैच हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, और लॉक होते ही टैंकर एयरक्राफ्ट के पायलट को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अब वो सिस्टम अटैच हो चुके हैं और अब फ्यूल ट्रांसफर के लिए तैयार है। तो फिर उसके बाद टैंकर एयरक्राफ्ट का पायलट फ्यूल को रिसीवर एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर करता है। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान दोनों ही एयरक्राफ्ट के पायलट को ध्यान रखना होता है कि वे ज्यादा हार्ड मैन्यूवरिंग ना करें। और टैंकर एयरक्राफ्ट रिसीवर एयरक्राफ्ट में फ्यूल तभी ट्रांसफर करता है जब टैंकर एयरक्राफ्ट का ड्रॉग और रिसीवर एयरक्राफ्ट का प्रॉप पूरी तरीके से सील हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, जो कि है फ्लाइंग बूम टेक्निक। और ये टेक्निक प्रॉप एंड ड्रॉग सिस्टम से काफी अलग है, क्योंकि जहां प्रॉप एंड ड्रॉग टेक्निक में एक लचीला सा ट्यूब होता है जो पीछे की तरफ जाता है, और उसमें रिसीवर एयरक्राफ्ट के पायलट को उसके एयरक्राफ्ट में लगे प्रॉप को उस पाइप के ड्रॉग से कनेक्ट करना होता है, फिर जिसके बाद टैंकर एयरक्राफ्ट का जो पायलट है वो फ्यूल को ट्रांसफर कर सकता है। वहीं जो फ्लाइंग बूम वाली टेक्निक है उसमें ऐसा कोई लचीला सा ट्यूब नहीं होता है, बल्कि इसमें एक कठोर सा टेलीस्कोपिक ट्यूब होता है, और उसे ऑपरेट करने के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट के अंदर एक अलग से ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं बूम ऑपरेटर, और इसी कठोर लंबे से ट्यूब को कहा जाता है बूम।
जिसकी जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस होती है वो मूवेबल होती है, और इस टेक्निक से फ्यूल ट्रांसफर करने के लिए जो रिसीवर एयरक्राफ्ट का पायलट है उसे कनेक्शन को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इसमें ट्यूब को रिसीवर एयरक्राफ्ट में कनेक्ट करने का काम होता है बूम ऑपरेटर का, जो कि टैंकर एयरक्राफ्ट में पीछे बैठकर उस बूम यानी कि उस ट्यूब को ऑपरेट कर रहा होता है और वो एयरक्राफ्ट के ऊपर लगे कनेक्शन पर उसे मैच कराता है। और रिसीविंग एयरक्राफ्ट का काम होता है अपनी पोजीशन को टैंकर एयरक्राफ्ट के बिहाइंड बेहद ही करीब रखना। तो जब इस टेक्निक से फ्यूल ट्रांसफर करना होता है तो बूम ऑपरेटर उस ट्यूब को एयरक्राफ्ट से एक्सटेंड करता है और उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है रिसीविंग एयरक्राफ्ट के पॉइंट से, और जैसे ही वो पॉइंट कनेक्ट होते हैं तो फिर इस ट्यूब के माध्यम से फ्यूल ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और माना कि जो ये फ्लाइंग बूम टेक्निक है ये प्रॉब एंड ड्रॉप टेक्निक की तुलना में थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इस टेक्निक से फ्यूल ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होता है। और फ्यूल को ट्रांसफर करने के लिए फिर चाहे आप प्रॉब एंड ड्रॉग वाले टेक्निक का इस्तेमाल करें या फ्लाइंग बूम वाले टेक्निक, इस टेक्निक में टैंकर एयरक्राफ्ट और रिसीवर एयरक्राफ्ट दोनों को ध्यान रखना पड़ता है कि वे एक दूसरे की स्पीड को मैच करके रखें। और इस प्रोसेस में स्पीड और वेट दो ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों ही एयरक्राफ्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो ये पूरी एरियल रिफ्यूलिंग वाली टेक्निक है इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि इसकी मदद से पायलट बिना लैंड हुए ज्यादा लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है, क्योंकि जब उसे हवा में ही फ्यूल मिल जा रहा है तो फिर उसे लैंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आप भारत के राफेल फाइटर्स ले सकते हैं जो डायरेक्टली फ्रांस से उड़ान भरकर भारत पहुंचे थे। और स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट कम फ्यूल के साथ उड़ान भरता है और फिर वो हवा में अपने आप को रिफ्यूल कराता है तो ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है ये करीब 35-45% तक की फ्यूल कॉस्ट बचाती है। लेकिन जो ये पूरी प्रोसेस है ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी होती है, क्योंकि अगर आप किसी हॉस्टाइल जोन में हैं यानी कि ऐसे क्षेत्र पे हैं जहाँ पे आपके दुश्मन ज्यादा हैं, तो अगर आपको ऐसे क्षेत्र पर मिड एयर रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ती है तो फिर आपका जो टैंकर एयरक्राफ्ट होगा वो दुश्मन के लिए सबसे आसान टारगेट होता है और वो बड़ी आसानी से उस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जबकि इसी वजह से आज के समय में टैंकर एयरक्राफ्ट में भी कुछ डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और वहीं जो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए दो अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल होती है यानी कि प्रॉब एंड ड्रॉग और फ्लाइंग बूम, इन दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। जैसे कि जो फ्लाइंग बूम टेक्निक है उसमें प्रॉब एंड ड्रॉग टेक्निक की तुलना में ज्यादा तेजी से फ्यूल ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि इसमें आप एक बार में एक ही एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकते हैं। वहीं जो प्रॉब एंड ड्रॉग वाली टेक्निक है उसमें भले ही फ्लाइंग बूम के कंपैरिजन में फ्यूल स्लो रेट से ट्रांसफर होता है, लेकिन इस टेक्निक से एक टैंकर एयरक्राफ्ट एक बार में 2 या 3 एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकता है। डिपेंड करता है कि टैंकर एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। और क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली एरियल रिफ्यूलिंग 1921 में हुई थी? इसके अलावा जहां तक ये सवाल है कि क्या हेलीकॉप्टर्स में भी एरियल रिफ्यूलिंग होती है, तो हाँ, हेलीकॉप्टर्स में उसके स्पिनिंग ब्लेड के कारण जो मिड एयर रिफ्यूलिंग है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग तो साबित होती है, लेकिन फिर भी आज के समय में ऐसे कई हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी दी गई है और उनमें भी रिफ्यूलिंग के लिए प्रॉब एंड ड्रॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स की जो ऑल्टीट्यूड रेंज होती है वो कम होती है और स्पीड भी कम होती है, तो इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स के साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग में यही स्पीड वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। ऐसे में होता यह है कि या तो टैंकर एयरक्राफ्ट को हेलीकॉप्टर की जितनी अपनी स्पीड और ऑल्टीट्यूड कम करना पड़ता है, या फिर हेलीकॉप्टर को टैंकर एयरक्राफ्ट की जितनी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। और हेलीकॉप्टर्स में फ्यूल को रिसीव करने के लिए जो प्रॉब होता है यानी कि वो लंबा सा ट्यूब, वो किसी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट की तुलना में लॉन्ग होता है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या किसी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी दी जाती है, तो नहीं, किसी भी कॉमर्शियल या प्राइवेट एयरप्लेन में इस तरह की एयर टू एयर वाली रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। और जबकि कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रॉब एंड ड्रॉग और फ्लाइंग बूम दोनों ही तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करने के फीचर दिए गए होते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं US एयर फोर्स का टैंकर, जिसमें फ्लाइंग बूम और प्रॉब एंड ड्रॉग रिफ्यूलिंग दोनों ही तरह के फीचर हैं। बाकी मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल होती है वो यही प्रॉब एंड ड्रॉग और फ्लाइंग बूम वाली है। और बाकी हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किस तरीके से वर्क करती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।